भाईंदर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का आक्रोश देखने को मिला है। सुबह ऑफिस जाने वाले कामकाजी लोगों के लिए महत्वपूर्ण 8:24 बजे की जनरल लोकल को रेलवे प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के एसी लोकल में बदल दिया है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि एसी लोकल का किराया जनरल लोकल की तुलना में काफी अधिक है और आम यात्रियों की पहुंच से बाहर है। इस बदलाव से नाराज यात्रियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने रेलवे प्रशासन को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि सुबह 8:24 की लोकल को पहले की तरह जनरल ही रखा जाए। यदि एसी लोकल चलानी ही है तो उसे सुबह 8:30 से पहले किसी अन्य समय पर चलाया जाए, ताकि नियमित यात्रियों की सुविधा में कोई बाधा न आए। यात्रियों की इस मांग और उनकी समस्याओं को रेलवे प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए। अरे अनाउंसमेंट तो करना चाहिए ना, लोगों ट्रेन लाके सीधा डब्बा लाके खड़ा कर दिया। मिडिल क्लास पब्लिक कितना है? 80% मिडिल क्लास पब्लिक के लिए एसी ट्रेन लाएगा? प्रेयर तो चालू करो, सीधा 8:24 का 9:35 का ट्रेन है, बिना बोले लाके ट्रेन डब्बा इधर खड़ा कर दिया है रेलवे ने। रेलवे सोचा नहीं कि क्या करना चाहिए। आज 1 घंटा लेट जाएगा, आदमी कैसे जाएगा? भैंदर लोकल लाया किसके लिए? ताकि पब्लिक यहाँ से जा सके। भैंदर की पब्लिक इतनी ज्यादा है, ट्रेन में चेक नहीं सकती, ट्रेन का कंडीशन है। एसी ट्रेन सामने जा रहा है, फिर भी एसी ट्रेन लाके इधर सामने खड़ा करके रखा है, क्या मतलब क्या है? अरे 15 मिनट बाद में बनाओ ना, 8:24 के बाद में लगाओ ना, 9:35 को 9:40 को के बीच चाहिए एसी। खबर देखने के लिए देखते रहे समय प्रभात।